अजमेर के अजय नगर भगवानगंज में पानी सप्लाई के वक्त पाइपलाइन में लीकेज हो गया, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह गया। सूचना के बाद जलदाय विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लीकेज को सही किया। वहीं स्थानीय पार्षद ने यह बताया कि जलदाय विभाग की लापरवाही के वजह से ये पाइपलाइन टूटी है और इन दोनों गर्मी की वजह से लोग काफी परेशान हैं और साथ ही पानी की किल्लत भी लगातार जारी है। इसमें हजारों लीटर पानी सड़क पर बहने से लोगों में भी काफी गुस्सा है। पे ये मेन लाइन है जो 10 इंच की है, वह ब्लास्ट हो गई थी, उसकी वजह से काफ़ी पानी व्यर्थ हुआ। लेकिन उसी जैसे ही हमें पता चला, हमें सूचना मिली, हमने तत्परता से जलदाय विभाग को इसकी सूचना दी और इस सप्लाई को बंद करवाया। उसी के साथ साथ अभी उस विभाग को भी हमने फ़ोन कर दिया है और उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ पे कर्मचारी भेजे हैं और इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए। मतलब कितना पानी लीटर बढ़ा गया है और गर्मी का मौसम आ गया है, ये हजारों लीटर पानी व्यर्थ हो गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं अपने विभाग की लापरवाही रह जाती है कि एकदम से अगर आप सप्लाई देते हैं और ब्लास्ट होती है तो ये जलदाय विभाग की लापरवाही। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।